भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा जी की गोद में हुआ था। नारद मुनि ब्रह्मांड में घट रही सभी घटनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया करते थे। नारद मुनि का आदर केवल देवता ही नहीं बल्कि असुर भी किया करते थे। देवताओं के ऋषि देव ऋषि कहे जाने वाले नारद मुनि की जयंती इस साल 19 मई को मनाई गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि भगवान ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पिछले जन्मों में कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ा था। कहते हैं पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उनका नाम उपबहन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। कहते हैं सृष्टि में लगातार खबरों का प्रचार करने वाले नारद मुनि जीवन भर अविवाहित रहे। उनके अविवाहित रहने के पीछे भी एक प्रसिद्ध कथा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने और विवाह करने के लिए कहा था, किंतु नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें लाख समझाया, लेकिन देव ऋषि ने उनकी बात नहीं मानी। तब गुस्से से भरे हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जीवन भर अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। देव ऋषि नारद जीवन भर कभी एक जगह टिककर नहीं रह पाए। वो हमेशा इधर उधर विचरण करते रहे। ऐसा करना उनकी आदत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दरअसल राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनका राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया था। इसके बाद उन्होंने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को सभी प्रकार की मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसके बाद नारद मुनि को श्राप दिया और कहा कि वो हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे, एक स्थान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद नारद मुनि कभी भी एक जगह पर नहीं टिक पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।